हाय एवरीवन, हम लोग अभी नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्लैडर के एनाटॉमी को जानते हैं। तो ब्लैडर में एक डिट्रूसर मसल होता है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो यूरिन पास होने के लिए डिट्रूसर मसल्स को कांटेक्ट होना होता है, एंड जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं वो रिलैक्स होने चाहिए ताकि ये जो ये ओपन रहे। और जैसे डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूरिन पास होगा। तो ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है। तो इसमें जो नर्व सप्लाई है वो बेसिकली तीन तरह के हैं। जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है वो S2, S3, S4 के थ्रू डिट्रूजर मसल्स को कांटेक्ट कराता है। वो S2, S3, S4 के थ्रू डिट्रूजर मसल्स को कांटेक्ट कराएगा। इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो वाइडिंग होगा, और वहीं पे तो इस तरह से जो सिंपेथेटिक सप्लाई है वो वाइडिंग के लिए या ब्लैडर इम्प्टीइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो सिंपेथेटिक सप्लाई है वो उसका क्या काम है कि वो सेम डिट्रूजर मसल्स को रिलैक्स करता है और इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रेट कराएगा। तो जब ये रिलैक्स रहेगा और ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये बंद हो जाएगा, तो ब्लैडर फीलिंग के लिए सिंपेथेटिक जो सप्लाई है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जो सोमेटिक सप्लाई है थ्रू पुडेंडल नर्व, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे काम करता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है ब्लैडर का। तो अब हम देखते हैं कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर को डिस्कस करने से पहले जो हायर सेंटर है उसका रोल समझ लेते हैं। तो ये होता है कि एनी अमाउंट ऑफ यूरिन इन ब्लैडर, एनी अमाउंट ऑफ यूरिन यूरिन इन ब्लैडर स्टार्ट्स द लोकल रिफ्लेक्स। वो सेंसरी सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है S2, S3, S4 लेवल पे। और जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है वो ब्लैडर को एम्प्टिंग कराता है। तो एनी अमाउंट ऑफ यूरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग दिस लोकल रिफ्लेक्स। जो हायर सेंटर है उसका काम है कि इस लोकल रिफ्लेक्स को इनहिबिट करके रखना। तो अब अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन में क्या होता है कि ये जो हायर सेंटर का जो रोल है इनहिबिट करके इस लोकल रिफ्लेक्स को रखना, ये खत्म हो जाता है। जब हायर सेंटर का रोल खत्म हो जाएगा तब बस लोकल रिफ्लेक्स बचा। तो कोई भी अमाउंट ऑफ यूरिन अगर कलेक्ट होगा तो ब्लैडर उसको लोकल रिफ्लेक्स के थ्रू एम्प्टी कराएगा और उसको ऑटोमेटिक ब्लैडर कहते हैं हम। ये थोड़े से भी फिलिंग ऑफ ब्लैडर में वो ऑटोमेटिक जो है ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा। और वहीं पे अगर लोकल रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है जो कि LMN में होता है, LMN में क्या होगा, लोकल रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। जब लोकल रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा
तो ब्लैडर कीप्स ऑन फीलिंग, ये बढ़ता जाएगा कि कोई भी अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा स्पाइनल कॉर्ड को एम्प्टिंग के लिए। तो ये जब ये कंप्लीटली भर जाएगा तो ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा और इसी को ऑटोनोमस ब्लैडर कहते हैं हम। तो हम एक बार इस दोनों ब्लैडर के डिफरेंस को देख लेते हैं कि स्पास्टिक ब्लैडर क्या है और फ्लैसिड ब्लैडर ब्लैडर क्या है। तो स्पास्टिक ब्लैडर है ह्यूमन लीजन जिसमें हायर सेंटर का रोल ख़त्म हो जाता है, तो एनी अमाउंट ऑफ यूरिन जैसे ही वो जमा होता है ब्लैडर में लोकल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, उसको एम्प्टी करा देता है। इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। एलएमएन में लोकल रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा तो ब्लैडर पूरा भर भी जाएगा तो लोकल रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होगा, तो फाइनली वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो स्पास्टिक ब्लैडर में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा या अर्जेंसी बढ़ जाएगा। इसमें फ्लैसिड ब्लैडर में ड्रिबलिंग रिटेंशन और हेजिटेंसी हेजिटेंसी होगा। जो ब्लैडर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा स्पास्टिक ब्लैडर में, फ्लैसिड ब्लैडर में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम जो एक क्लिनिकली अगर पेशेंट कंप्लेन करता है तो वो ये कर सकता है कि जो स्पास्टिक ब्लैडर है उसमें जो भी यूरिन होगा वो वॉल्यूम कम होगा लेकिन फ्लो में होगा, जबकि वो फ्लैसिड ब्लैडर में यूरिन ड्रिबल करेगा, यूरिन का जो यूरिन फ्लो होता है वो फ्लो नहीं होगा। और दूसरा है कि जब ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैडर फुल रहेगा, तो यू कैन पालपेट द ब्लैडर। जो स्पास्टिक ब्लैडर है वो डिट्रूजर कॉन्ट्रेक्शन ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है और ये अंडर एक्टिविटी की वजह से होगा फ्लैसिड ब्लैडर। और स्पाइनल कॉर्ड अबव T12 की इंजरी होगी स्पास्टिक ब्लैडर में, और फ्लैसिड ब्लैडर में इंजरी जो S2, S3, S4 के लेवल पे पेरिफेरल नर्व के लेवल पे होगा। तो ये था नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में।